मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो स्टडी YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम रियल नंबर का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। रियल नंबर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें हमें दोस्तों पढ़ना है, देखिए सबसे पहले तो नंबर सिस्टम के बारे में जानना है, नंबर सिस्टम। इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एल्गोरिदम का। इसके बाद हम लेमा के बारे में जानेंगे, लेमा क्या होती है। फिर आपका जो चैप्टर है उसकी बात करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। और फिर इससे हम आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एलसीएम एचसीएफ आपको तो आता ही है, पहले हम बेसिक मेथड सीखेंगे और फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इसके बाद फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वो भी देखेंगे। फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है अरिथमेटिक का, उसका नाम है आपका फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी कि फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम, उसको भी पढ़ेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी की क्लास टेंथ की बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, अरिथमेटिक थ्योरम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स नंबर सिस्टम से। देखिए नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच वी स्टडी अबाउट द नंबर्स। नंबर सिस्टम एक पद्धति है, एक सिस्टम है। नंबर सिस्टम को हिंदी में हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं। ये एक सिस्टम है जिसमें हम लोग नंबर्स की स्टडी करते हैं। देखिए नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं पहले ये हमारे पास होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि नंबर सिस्टम को हम कितने आधार पे पढ़ते हैं। तो नंबर सिस्टम को हम टोटल चार आधारों पे पढ़ते हैं। पहला जो होगा आपका वो होगा डेसिमल नंबर सिस्टम। वो क्या होगा फ्रेंड्स, डेसिमल नंबर सिस्टम। और दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। तीसरा जो होगा आपका वो होगा ऑक्टल डेसिमल सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट होगा, जो लास्ट होगा वो होगा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ये चार सिस्टम होते हैं नंबर सिस्टम में। इन चारों का स्टडी हमें करना है, लेकिन बाद में। अभी जो हमारा मेन है वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसकी हम पूरे क्लास टेंथ में या अभी तक की स्टडी करते आए हैं। बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल आपको आगे की क्लासेस में मिलेगा जब आप कंप्यूटर की क्लासेस कर रहे होंगे, क्योंकि ये मशीनी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, मशीनी सिस्टम है, मशीन लैंग्वेज की सिस्टम है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम जानते हैं कि होता क्या क्या है। डेसिमल नंबर सिस्टम क्यों बोलते हैं इसको, डेसिमल का मतलब होता है 10। बाइनरी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है 2। इसके बाद देखिए ऑक्टल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ऑक्टल का मतलब कितना होता है, 8। और ये हेक्सा डेसिमल, हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10, मतलब दोनों जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 16। तो हेक्सा डेसिमल का मतलब कितना हो जाएगा, 16। कहने का मतलब ये कि हम जब स्टडी करेंगे इसमें तो टोटल 10 डिजिट्स पे आधारित नंबर सिस्टम की स्टडी करेंगे। वो 10 डिजिट्स कौन कौन से होंगे, देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपको क्या सर ये तो 9 ही हुआ, फिर से काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये टोटल 10 नंबर्स की स्टडी हम करेंगे, यानी कि 10 डिजिट्स की स्टडी हम करेंगे। इसी को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, जिस पे हमें पूरा स्टडी करना है। आइए देखते हैं बाइनरी क्या होता है। बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, हम केवल दो डिजिट का अध्ययन करते हैं, दो नंबर्स का अध्ययन करते हैं, 0 का और 1 का। ठीक है, इसके बाद ऑक्टल में हमने 8 लिखा है, 8 मतलब क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल 8 अंकों पर आधारित सिस्टम का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम, सॉरी ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नहीं, ऑक्टल नंबर सिस्टम लिखना था यहाँ पे। ठीक है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम होगा और डेसिमल इसमें लगता है, हेक्साडेसिमल में।
ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 8 डिजिट्स होंगे और इन्हीं पे बेस्ड स्टडी क्या कहलाती है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल की बात करेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो यहाँ तक तो ठीक था, 8 के बाद 9 लिखना था, सॉरी यहाँ तक तो ठीक था, ये तो फिर आपका डेसिमल सिस्टम ही हो गया। फिर से आप ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 लिखे हैं, इसमें कैसे डिफाइन करेंगे? अगर कोई नंबर हमें लिखना हुआ इसमें, मान लीजिए हमें 0, 10, 11 लिखना हुआ, तो अब हम ऐसे लिखेंगे तो इसको हम ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं, 0, 1, 0, 1, 1, तब तो ये बाइनरी भी हो गया और ये आपका डेसिमल में भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। तो नहीं, आपको यहाँ पे थोड़ा सा सावधान होना है, करना क्या है, 9 के बाद जो नंबर लिखेंगे आप उनको ए बी सी डी कोडिंग करके लिखना है, ए बी सी डी ई और ये एफ तक जाता है। तो जैसे अगर आपको लिखना था 9, 10, 11 एक साथ कहीं पे लिखना था, कोई एक नंबर है जिसमें 9, 10, 11 लिखना है, तो आप क्या करेंगे, 9 लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बाद आइए हमें जो पढ़ना है उसकी बात करते हैं, और हमें क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, हमें जो पढ़ना है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या पढ़ना है हमें, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको देखते हैं, ये जो हमारे सामने लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनको हम क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, डिजिट्स। ये डिजिट्स क्या होते हैं, देखिए डिजिट्स जो होते हैं ये नंबर्स के बेस होते हैं। जैसे हमारे बॉडी की या हमारे लाइफ का जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट, कंस्टिट्यूएंट पार्ट कह सकते हैं, वो सेल है, यानी कि हमारा शरीर जैसे कोशिकाओं से मिलकर बना है, जैसे कोई पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, वैसे ही हमारा जो नंबर है, जो हमारा नंबर होगा वो किससे मिलकर बना होगा, डिजिट्स से मिलकर बना होगा। तो डिजिट्स देखिए डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं, इन्हीं डिजिट्स पे हमें स्टडी करनी है, इन्हीं डिजिट्स से हमें नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है क्या, नंबर सिस्टम। अब देखिए नंबर सिस्टम को हम जब स्टडी करने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए नंबर सिस्टम में कितने प्रकार की संख्याएँ आती हैं, यानी कितने तरह के नंबर्स आते हैं। तो बेसिकली हम इन नंबर सिस्टम में देखेंगे तो मेन जो होगा हमारा वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये क्लास 11, 12 का टॉपिक है, मैं बस यहाँ पे नाम ले ले रहा हूँ ताकि अगर आप 11th में इसको देखें तो घबराहट आपको फील ना हो। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये दो पार्ट में बटा होता है, इसका एक पार्ट होता है रियल और एक पार्ट होता है आपका इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी पार्ट, दो पार्ट में ये बटे होते हैं। रियल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, सम्मिश्र संख्याएं। इसका मतलब क्या होता है, सम्मिश्र संख्याएं। और इसका रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्याएं। और इसके बाद इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं। तो देखिए इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्याएं को हम कैसे पढ़ेंगे, काल्पनिक संख्याओं का मतलब होता है वे संख्याएं जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, जो संख्याएं रियल में ना हो। जैसे आप थोड़ा सा सोचिए, माइनस में √5 अगर लिखा हो तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आप तुरंत बोलेंगे सर इसका स्क्वायर रूट तो -5 होगा, ठीक है मैं बता रहा हूँ, सॉरी माइनस में अगर √25 लिखा हो तो आप क्या कहेंगे, इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना होगा, वो तो -5 होगा। लेकिन आप एक बात बताइए, जब हम इसका अपोजिट निकालेंगे मतलब -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या ये -25 आएगा, नहीं आएगा। दैट मीन्स आपने जो ऊपर कहा वो भी क्या है, गलत है। तो अब ये -√25 का स्क्वायर रूट होगा क्या, ठीक है। तो देखिए हम बता दें, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं नेगेटिव होती हैं उनका स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है, उसको बस हम कल्पना कर लेते हैं कि हो सकता है कि ऐसी संख्याएं हों और उनको सॉल्व किया जाता है। लेकिन कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए माइनस में कोई भी नंबर रहेगा हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए माइनस में √1 की वैल्यू को हम आई से शो करते हैं। एक्चुअली ये आई नहीं है, इसको हम आयोटा बोलते हैं, ये ग्रीक सिंबल है आयोटा का।
ठीक है, ये आयोटा होता है। तो आयोटा से हम इसको शो करेंगे माइनस में रूट वन को। और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें माइनस रूट 25 को, तो हम ऐसे कर सकते हैं रूट ओवर माइनस वन इंटू 25। तो देखिए इसमें क्या होगा, फिर से ये रूट माइनस वन पे होगा और रूट किस पे होगा, 25 पे भी होगा। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस वन को हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। रूट में माइनस वन को हम क्या लिख देंगे, आई इंटू ये कितना हो जाएगा, रूट 25 की वैल्यू। अब तो आप लिख सकते हैं ना 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5i। और इसी बेस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब जो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं, वे नंबर्स जिसमें इंटीजर्स आते हैं, आपके रेशनल इरेशनल नंबर्स आते हैं, मतलब सारे रेशनल और इरेशनल नंबर किस में आते हैं, रियल नंबर्स में। और रेशनल नंबर में कौन आता है, रेशनल नंबर में आपके इंटीजर्स आते हैं, डेसिमल नंबर्स आते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चीज़ें होंगी अभी हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हम किए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को अगर हम ए से शो करें और इमेजिनरी को आई बी से, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट होता है ए प्लस आई बी, ठीक है। इसके बाद देखिए वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे हम, काल्पनिक संख्याओं की तो बात हो चुकी और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना, लेकिन हाँ जानते जरूर रहिए कि होती क्या है काल्पनिक संख्या है, क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़रूर पड़ेगी। आइए अब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं। तो गाइज इफ यू टॉक अबाउट रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रियल नंबर्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होगा आपका डेसिमल का, और जो दूसरा पार्ट होगा वो किसका होगा, इंटीजर्स का। रियल नंबर्स में आपका डेसिमल और इंटीजर्स, ये दो पार्ट्स बनेंगे। तो देखिए डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। डेसिमल में जैसे आपने लिखा होगा 0.5, 7.3, 9.555 इस तरह से, या फिर 3.14 देखा होगा आपने, 3.16, ये पाई की वैल्यू होती है और ये किसकी वैल्यू होती है, रूट 10 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये आपके डेसिमल में आ जाएंगे। इसके बाद इंटीजर्स की बात करेंगे, तो इंटीजर्स में वे नंबर्स आते हैं जो माइनस इनफाइनाइट से जीरो को लेते हुए प्लस इनफाइनाइट तक आते हैं, ठीक है। तो ये इंटीजर्स हो गए और ये क्या हो गए, डेसिमल नंबर्स हो गए। अब डेसिमल नंबर की चर्चा हम अलग से करेंगे और इंटीजर्स की चर्चा हम अलग से करेंगे, लेकिन अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।